नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट के लिए मोस्ट सेलेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक बताना है। ऑप्शन है इंडापामाइड, स्पायरोनोलैक्टोन, क्लोरथैलिडोन, फुरोसेमाइड। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, फुरोसेमाइड करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पूछता है इरबेसर्टान इज, इरबेसर्टान क्या है। ऑप्शन में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एंजियोटेंसिन एगोनिस्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रोमोटर या फिर एंजियोटेंसिन एंटेगोनिस्ट। तो ये सर्टान वाले जितने भी ड्रग होते हैं ये एंजियोटेंसिन के एंटेगोनिस्ट होते हैं दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, तो ये एंटेगोनिस्ट में ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। पूछता है कोरियोकार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ, कोरियोकार्सिनोमा किसका कैंसर होगा। तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑर्गन दिए, ओम्ब, आई, किडनी या फिर बोन मैरो। तो कोरियोकार्सिनोमा जो होता है वो होता है वुमेन यूटेरस का कारण कैंसर होता है, तो जिसे हम ओम कहते हैं। यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछता है थायोटेपा इज एंटी कैंसर अल्काइलेटिंग एजेंट केमिकली इज, ये केमिकली कौन से क्लास में आता है थायोटेपा एंटी कैंसर ड्रग में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए है अल्किल सल्फोनेट, मिथिल एनिमाइन या फिर इथिलीनिमाइन या फिर ट्रायाजीन। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इथिलीन इमाइन होता है ये थायोटेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज किया जाएगा। ऑप्शन में है अलेमटुजुमैब, ट्रस्टुजुमैब, रिटुक्सिमैब या फिर जेमटुजुमैब। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये होता है ऑप्शन बी, ट्रस्टुजुमैब करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपोनिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, ये ट्रोपोनिन टेस्ट कौन से चीज़ के लिए यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मायस्थेनिया ग्रेविस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एक्यूट एंजाइना या फिर लिवर डैमेज या फिर हर्निया। तो ये ट्रोपोनिन टेस्ट जो होता है दोस्तों ये ऑप्शन बी के लिए यूज किया जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एक्यूट एंजाइना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में पूछा है। वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन दिया है 25th ऑफ मार्च, 31st ऑफ जनवरी, 25th ऑफ अप्रैल या फिर 24th ऑफ मार्च। तो देखिए मलेरिया वर्ल्ड डे जो है वो 25th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पूछता है निक्षय इज अ ऑनलाइन पोर्टल रिलेटेड टू, निक्षय किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है लेप्रसी, एनेमिया, रेबीज या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस। तो देखिए निक्षय जो ऑनलाइन पोर्टल है ये टीबी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्स टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, इलेक्स टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। लेप्रसी, टाइफस, फीवर या फिर डिफ्थेरिया या फिर न्यूमोनिया। तो देखिए ये इलेक्स टेस्ट जो है जो यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ डिफ्थेरिया के लिए, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा है ग्लास यूज फॉर द ड्राई पाउडर्स एंड ऑयल सॉल्यूशन इज ऑफ, कौन से टाइप का ग्लास यूज किया जाएगा यहाँ ऑयल सॉल्यूशन के लिए और ड्राई पाउडर के लिए। ऑप्शन दिया टाइप 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए ये ड्राई पाउडर ऑयल सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है टाइप 3 का ग्लास, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द चिल्ड्रेन डोज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। देखो ऐसा फार्मूला बताना है जिसमें बॉडी वेट को बेस लिया जाता है। यहाँ ऑप्शन देखिए फ्राइड्स फार्मूला, डीलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला या फिर क्लार्क्स फार्मूला। तो यहाँ से देखो ये बॉडी वेट को यूज किया जाता है, यहाँ से ऑप्शन डी, क्लार्क्स फार्मूला के अंदर। तो ये सारे फार्मूला आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखो बोलता है लाइपोफिलिक एजेंट ऑन द एचएलबी स्केल आर, लाइपोफिलिक एजेंट कहाँ होंगे एचएलबी स्केल पर। हाइपोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस होता है ये, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस स्केल पर लाइपोफिलिक एजेंट कहाँ होंगे, टूअर्स 0, टूअर्स 18, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो एचएलबी स्केल पर ये लाइपोफिलिक एजेंट जो होते हैं वो 0 की तरफ होते हैं दोस्तों, टूअर्स 0 यहाँ से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पूछता है एमी विस्नागा इज अ कॉमरिन ग्लाइकोसाइड बिलोंग्स टू द फैमिली, एमी विस्नागा की हमें यहाँ से फैमिली बतानी है। ऑप्शन दिया है लेग्यूमिनासी, अम्बेली फेरी, स्क्रोफिलियासी या फिर जाइगोफाइलेसी। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये ऑप्शन बी, अम्बेली फेरी होगा, ये कॉमरिन ग्लाइकोसाइड है, इसे याद रखना है, एमी विस्नागा अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अस्पैरागस रेसेमोसस इज अ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है अस्पैरागस रेसेमोसस। यहाँ ऑप्शन दिया है शतावरी, ब्राह्मी, डायस्कोरिया या फिर सनेजा। तो देखिए ये जो सोर्स है अस्पैरागस रेसेमोसस, ये होता है ऑप्शन ए शतावरी का बायोलॉजिकल सोर्स होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पूछा है सिक्स मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग लैक्टोन रिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखो सिक्स मेंबर लैक्टोन रिंग ये किस में प्रेजेंट होगा, या ऑप्शन दिया है कार्डेनोलाइट, बुफाडाइनोलाइट, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों सिक्स मेंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होता है बुफाडाइनोलाइट, जैसे स्क्विल में देखते हैं प्याज में तो उसमें प्रेजेंट होता है, और कार्डेनोलाइट में फाइव मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो बोलता है बिशप्स वीड इज अ सिनोनिम फॉर, बिशप वीड किसका सिनोनिम है, ऑप्शन दिया है कोरिएंडर, कार्डामम, अजवाइन या फिर कैरावे। तो बिशप्स वीड जो होता है सिनोनिम, ये अजवाइन के लिए यूज किया जाता है, तो ये सिनोनिम याद रखना है आप लोगों ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बो मिनरल, हर्बो मिनरल कौन सा होगा, ऑप्शन दिया है पोर्सेलिन, शिलाजीत, वेल्केनाइट या फिर फ्लोरिडीन। तो यहाँ से सही ऑप्शन देखो हर्बो मिनरल जो है वो होगा ऑप्शन बी शिलाजीत सही होता है दोस्तों यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, रेलीज लॉ रिलेटेड रिलेटेड टू रेलीज लॉ किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ ऑप्शन दिया है एक्सपायरी मेडिसिन, रिटेल, ग्रेविटेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर गुड्स मैनेजमेंट। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये रिटेल ग्रेविटेशन से रिलेटेड होता है रेलीज लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, असे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इज परफॉर्म बाय, ये असे जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट का कौन से टाइट्रेशन से परफॉर्म किया जाता है, ऑप्शन दिया रेडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन या फिर प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट के असे जो है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइप से परफॉर्म किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गटजीट टेस्ट यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ, गटजीट टेस्ट किसके लिमिट टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन दिया लेड, आर्सेनिक, आयरन और सल्फर, और सही आंसर होगा दोस्तों गटजीट टेस्ट जो है वो आर्सेनिक के लिए बनी होती है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए पूछता है वॉश लेदर इज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ, वॉश लेदर किसका डायग्नोस्टिक फीचर होगा, किसका सिम्टम होगा। यहाँ से देखो ऑप्शन दिया है मिसल्स, चिकन पॉक्स, डिफ्थेरिया या फिर पोलियो। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी सही होगा, डिफ्थेरिया के केस में वॉश लेदर जैसे डायग्नोस्टिक फीचर देखने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकोमा इज अ डिसीज ऑफ, ट्रैकोमा किस ऑर्गन का डिसीज होता है, ऑप्शन में दिया है आई, स्किन, थायराइड ग्लैंड या फिर ईयर। तो यहाँ से देखो ट्रैकोमा जो है वो आई से रिलेटेड डिसीज है, डिफॉल्ट होता है दोस्तों ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायूरेट रिएक्शन इज गिवन बाय, बायूरेट रिएक्शन कौन पॉजिटिव देगा। यहाँ पे देखो अलग अलग अमाइनो एसिड है, प्रोलिन, टायरोसिन, हिस्टिडीन या फिर ट्रिप्टोफन। तो वो ये बायूरेट टेस्ट जो होता है यहाँ से ये सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सी, हिस्टिडीन जैसे अमाइनो एसिड जो है वो बायूरेट रिएक्शन को पॉजिटिव देते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछता है इक्टेरस इंडेक्स इज रिलेटेड टू, इक्टेरस इंडेक्स जो है वो कौन सी चीज से रिलेटेड है। ऑप्शन में दिया है न्यूओनेटल जॉन्डिस, एनिमिक मदर, टंग टाई ऑपरेशंस या फिर हेल्दी किड्स। तो ये इक्टेरस इंडेक्स जो है वो रिलेटेड होता है न्यूओनेटल जॉन्डिस, तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों न्यूओनेटल जॉन्डिस। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन LFT पूछा है यहाँ से कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, प्रोथ्रोमिन टाइम टेस्ट, पेंटागैस्ट्रिन स्टिमुलेशन टेस्ट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यहाँ से LFT वाला जो होता है ना दोस्तों वो यहाँ से सही होगा ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट वाला, यानी ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिप्रेजेंट द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कौन से सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन में दिया मास्ट सेल, थ्रोम्बोसाइट्स, मोनोसाइट्स या फिर इओसिनोफिल्स। तो यहाँ से देखो सही ऑप्शन होता है दोस्तों ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो प्लेटलेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज फॉर एक्सपेरिमेंट्स आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी के बाहर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसे क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। ऑप्शन में देखो इनविट्रो, इनविवो, मार्सुपियल्स या फिर बोथ ए एंड बी, इनविट्रो एंड इनविवो। तो देखो ये आउटसाइड किया जा रहा है ना, तो ये आउटसाइड से टी जो है इसे याद रख लेना, इसका ऑप्शन इनविट्रो सही होता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो पूछता है अपटेक ऑफ फ्लूड सॉल्यूट बाय सेल इज कॉल्ड एज, देखो फ्लूड में सब्सटेंस है तो इसका अपटेक किया जा रहा है सेल की माध्यम से, तो इसे क्या कहेंगे। यहाँ ऑप्शन दिया है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस,
एंटोफोरेसिस या फिर फोनोफोरेसिस। तो देखिए ये ड्रिंकिंग ऑफ सेल होता है, तो यहाँ ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी पिनोसाइटासिस बोलेंगे। लेकिन अगर ईटिंग ऑफ सेल्स होता है, ईटिंग बाय सेल होता है, अगर सॉलिड मटेरियल होता है तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। यहाँ पे ड्रिंकिंग की बात चल रही है, फ्लूड की बात चल रही है, तो पिनोसाइटोसिस सही होगा। अगली क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो पूछता है, इन विच फॉर्म द लाइसेंस इज ग्रांटेड टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस। तो ये एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस के पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स के लिए लाइसेंस कौन से फॉर्म में दिया जाएगा। यहाँ देखो ऑप्शन है फॉर्म 24, फॉर्म 25, फॉर्म 27 या फिर फॉर्म 29। कौन सा फॉर्म नंबर सही होगा यहाँ से? तो यहाँ से सही होगा दोस्तों, ये फॉर्म नंबर 29 है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। पूछता है विच शेड्यूल इंक्लूड स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। देखो स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस पूछा है, ऑप्शन में दिया है शेड्यूल M3, F2, R1 या फिर F3। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस शेड्यूल R1 में ये इंक्लूड किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग इनिबिट्स न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करने वाला एंटी फंगल ड्रग बताया, पूछना है, पूछा है। ऑप्शन दिया है फ्लूकोनाजोल, एंटी फंगीन, एनिडुला फंगीन करके, फ्लूसाइटोसिन और एम्फोटेरिसिन बी। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनिबिट करना है फंगस के अंदर का, तो ऑप्शन सी सही होगा, फ्लूसाइटोसिन करके। ठीक है, ये एनिडुला फंगीन जो है इचिनोकैंडिन्स होते हैं, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन इज कॉल्ड एज, देखो ये टर्मिनोलॉजी पूछा है, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन हो रहा है। ऑप्शन में दिया है ऑलिगुरिया, डिस यूरिया, पॉलीयूरिया या फिर हिमैच यूरिया। तो यहाँ से सही होगा दोस्तों, ये डिस यूरिया, ये पेनफुल डिफिकल्ट यूरिनेशन की सिचुएशन होती है डिस यूरिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है ये बताना है विधान। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए सरफेस टेंशन के बारे में बात चल रही है, सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन या फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो देखिए ये सरफेस टेंशन की बात जब करते हैं हम, तो ये जो यहाँ पे सेंटेंस सी जो दिख रहा है आपको, ये सेंटेंस यहाँ से ये फॉल्स होगा, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन से। ठीक है, बाकी सारे विधान यहाँ पे सही है, ट्रू है, सिर्फ यही विधान एक गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इनवर्ट शुगर इज, इनवर्ट शुगर के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ऑप्शन में दिया है फायर्स टेस्ट, हालपेंस टेस्ट, क्लंग्स टेस्ट या फिर डैम क्योरर टेस्ट। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों, ये ऑप्शन ए फायर्स टेस्ट होगा। इसे हमने याद भी रखा था हाई फाई से, हाई फाई जो है इन्वर्ट शुगर, ये हनी में हम डिटेक्शन के लिए काम आता है। हालपेंस जो होता है वो कॉटन सीड के लिए होता है। क्लंग्स की बात करेंगे तो ये अलो के लिए होता है, और ये डैम केरर जो है नैफ्थोकिनोन के रिलेटेड होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे। माइटोसिस रिजल्ट इन, माइटोसिस का क्या रिजल्ट होता है? ऑप्शन में देखो फोर जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल, टू आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स, फोर आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स या फिर टू जेनेटिकली डिफरेंट हाइप्लॉयड सेल्स। तो देखो मियोसिस की बात तो नहीं है यहाँ पे, माइटोसिस की बात चल रही है ना, तो माइटोसिस में टू आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स मिलते हैं हमें, तो यहाँ से ये ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पूछता है फर्मी रेजोनेंस इज ऑफन ऑब्जर्वड, फर्मी रेजोनेंस किसके साथ मिलता है? ऑप्शन में जाए कार्बोनिल कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, अमाइनो कंपाउंड्स या फिर नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो ये फर्मी रेजोनेंस एनालिसिस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटल्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, कार्बोनिल कंपाउंड जो भी होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एसिड एस्टर जैसे, तो ये हमें फर्मी रेजोनेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है टॉलेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रम, टॉलेस्ट पीक मास स्पेक्ट्रम में कौन देता है? यहाँ पे उसका नाम क्या होता है, बेस पीक बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन पीक बोलेंगे, मेटास्टेबल आयन पीक बोलेंगे या फिर आइसोटोपिक पीक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस टॉलेस्ट पीक को मास स्पेक्ट्रम के अंदर? तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, बेस पीक बोलना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जीआरडीएसएस इज कॉज बाय, जीआरडीएसएस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगाई। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए जीआरडीएसएस का इज कॉज बाय, ये प्रोटोजोअल डिसीज है, प्रोटोजोआ से कॉज होता है। नेक्स्ट टेस्ट पूछी है इजिप्ट मैन टेस्ट कंफर्म द काउंट ऑफ,
ये किसका काउंट को कंफर्म करती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है हीमोफिलस डुकरे, इसेरिशिया कोलाय, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला या फिर लेशमैनी डोनवानी। ये कौन से बैक्टीरिया को कंफर्म करता है? तो इजिकमैन टेस्ट जो है यहाँ से ये इसेरेशिया कोलाय के काउंट को कंफर्म करता है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक डाई, बेसिक डाई के बारे में बताना है। इवोसिन है, फसीन है या फिर सैफ्रानिन है या फिर निग्रोसिन है। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, सैफ्रानिन जो होता है वो बेसिक डाई होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है जील नील्सन जेडन स्टेन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, जेडन स्टेन किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आएगा? ऑप्शन में है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बैक्टीरिया या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ से सही क्या होगा दोस्तों, ये AFB बैक्टीरिया जो होते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया, उनके डिटेक्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है ये जेडन स्टेन, जील नील्सन स्टेन। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ से, एसिड फास्ट बैक्टीरिया TB वाले जो बैक्टीरिया है ना उनके डिटेक्शन के लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसॉट इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट, ये कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है रसॉट केमिकल कंस्टिट्यूएंट? ऑप्शन में देखो चित्रा, जाबोरंडी, काला दाना या फिर बेंजोइन। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये चित्रा, यहाँ से सही होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये पूछता है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स C5H8 यूनिट्स प्रेजेंट इन द सेस्क्विटर्पीन इज, सेस्क्विटर्पीन में कितने आइसोप्रीन यूनिट होते हैं? तो ऑप्शन में दिया है 5, 10, 3 या फिर 4। तो यहाँ से सही ऑप्शन है दोस्तों ये ऑप्शन सी, 3 होते हैं सेस्क्विटर्पीन के अंदर। मोनोटर्पीन की बात करेंगे तो उसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं और यहाँ सेस्क्विटर्पीन की बात है उसमें 3 आइसोप्रीन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड एज, फंक्शनल एंजाइम को क्या बोलते हैं? जाइमोजन, अपो एंजाइम, होलो एंजाइम या फिर को एंजाइम। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखो फंक्शनल एंजाइम की बात करिए तो ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पे होलोजाइम कहेंगे, और नॉन फंक्शनल की बात करेंगे तो आपको जाइमोजन को टिक करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जेलदाल मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, जेलदाल मेथड किसके डिटेक्शन में काम आएगा? ऑप्शन दिया है क्लोरीन, सल्फर, सल्फेट या फिर नाइट्रोजन। तो जेलदाल मेथड जो है वो फेमस है नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन स्ट्रक्चर कंटेन्स द कोरिन रिंग, कोरिन रिंग कौन से विटामिन में प्रेजेंट होता है? तो विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन B2 या फिर विटामिन ई। तो ये कोरिन रिंग जो प्रेजेंट होता है वो होता है ये ऑप्शन बी सही होगा, विटामिन B12 के अंदर, जैसे साइनोकोबालामाइन हम कहेंगे तो विटामिन B12 में कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है क्रिसमस डिसीज इज अनदर नेम फॉर, क्रिसमस डिसीज किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन में देखो हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। तो ये क्रिसमस डिसीज के नाम से जाना जाता है हीमोफीलिया बी, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल ऑफ ग्लूकोज सेरेब्रोसाइट्स इंक्रीज इन, कौन से डिसीज केस में इस ग्लूकोज सेरेब्रोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है? ऑप्शन में देखो नीमन पिक डिसीज, काउचर डिसीज, फाइबर्स डिसीज या फिर क्रैबेज डिसीज। तो यहाँ से सही क्या होगा दोस्तों, ये ग्लूकोज सेरेब्रोसाइट्स का लेवल बढ़ता है तो ये ऑप्शन बी होगा, गाउचर्स डिसीज के अंदर ये बढ़ेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है फ्लेम फोटोमेट्री वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, फ्लेम फोटोमेट्री का कौन सा प्रिंसिपल है वो बताना है? ऑप्शन में देखो एब्सॉर्प्शन, इमिशन, रिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग। तो ये जो फ्लेम फोटोमेट्री है उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है ये एमिशन पे काम करता है, बी आंसर सही होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखो ये पूछता है 137 ट्राइमिथिलजांथिन इज, 137 ट्राइमिथिलजांथिन क्या है? तो यहाँ ऑप्शन में देखो ये थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन, कैफीन या फिर मॉर्फिन। तो ये 1,3-ट्राइमिथिलजांथिन जो होता है दोस्तों ये ऑप्शन सी सही होगा, ये कैफीन के लिए अनदर केमिकल नेम है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल है, देखो पढ़ लेते हैं इसे। इफ 500 ml ऑफ 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन आर डायल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द डायल्यूशन? देखो आपके पास जो सॉल्यूशन है 500 ml का है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 15% दिया है और उससे यूज करके आपको 1500 ml का सॉल्यूशन बनाना है डायल्यूटेड, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है कि कितना होगा? ऑप्शन में देखो 5%, 15%, 10% या फिर 7.5% होगा।
तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज करना है, एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू। एन वन जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे 15%, और वी वन जो है वो आपका वॉल्यूम है 500 ml। तो इज इक्वल टू यहाँ पे देखो सेकंड सॉल्यूशन आपका कितना ml का है, वॉल्यूम उसका 1500 ml है, और आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है यानी x। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, तो ये दो जीरो कटेंगे, ये जीरो कटे जाएंगे, ये 15 15 कैंसिल होगा, बचेगा 5%। तो 5% आपका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डैश इज नोन एज डिस्कॉम्स। यहाँ पे देखो ये डिस्कॉम्स है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, डिस्कॉम्स किसे कहेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म किसका होगा ये। तो ऑप्शन में देखो लाइपोजोम्स, न्यूजोम्स, नैनो पार्टिकल्स या फिर बोथ ए एंड बी, लाइपोजोम्स एंड न्यूजोम्स। तो यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों ये न्यूजोम्स का मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है उसको डिस्कॉम्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। पूछा है हेंडरसन हैसल बैलेंस इक्वेशन यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। देखो बड़ा ही फेमस इक्वेशन है ये, किसके लिए डिटर्मिनेशन करने के काम आता है। देखो ऑप्शन में दिया है डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन, आयोनाइजेशन या फिर एक्सक्रीशन, कौन से डिग्री ऑफ डिटेक्शन के काम आता है। तो हेंडरसन हैसल बैलेंस इक्वेशन जो है ये काम आता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के डिटर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शियर थिकनिंग इज एग्जिबिटेड बाय, शियर थिकनिंग कौन एग्जिबिट करता है। ऑप्शन देखो यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लो, बिंगम बॉडी, स्लो प्लास्टिक फ्लो या फिर डाइलेटेंट फ्लो। तो ये किससे रिलेटेड होगा शियर थिकनिंग जो है, तो ये होता है डाइलेटेंट फ्लो से। आप जितना शेक करोगे उतना वो थिक गाढ़ा बनता जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसे डाइलेटेंट फ्लो को यूज करना है हमने, इसी को ये एग्जिबिट करता है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा है डाइजोनियम आयंस आर, डाइजोनियम आयंस का नेचर पूछा है। ऑप्शन में दिया है वीकली इलेक्ट्रोफिलिक, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक, वीकली न्यूक्लियोफिलिक या फिर स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ये वीकली इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है लियो आइसोमर ऑफ मॉर्फिन आर, मॉर्फिन का लियो फॉर्म जो है आइसोमर जो है वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है एनाल्जेसिक होता है, कफ सप्रेशन करके काम करेगा, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो लियो आइसोमर ऑफ मॉर्फिन जो होता है वो ऑप्शन बी सही होगा, कफ सप्रेशन करके काम करेगा दोस्तों। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछता है देखो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ऑप्शन में देखो इनैन्शियोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, डायस्टेरियोमर्स या फिर कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। देखो ये डेफिनेशन ही दिया है, सभी को पता होगा, यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, इनैन्शियोमर्स का ये डेफिनेशन है। ठीक है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज डज कंटेन द पायराजिन न्यूक्लियस, पायराजिन न्यूक्लियस कौन से एंटी डायबिटिक ड्रग में होता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है ग्लाइबुराइड, रिपाग्लिनाइड, ग्लैमेप्रिडाइड या फिर ग्लिपिजाइड। तो यहाँ से सही ऑप्शन देखो पायराजिन न्यूक्लियस है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ग्लिपिजाइड को यहाँ पे सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो पूछा है होमैट्रोपिन इज अ ट्रोपिन एस्टर ऑफ, होमैट्रिन होमैट्रोपिन ये ट्रोपिन का एस्टर है लेकिन कौन सा एसिड होता है इसमें, ये पूछा है। ऑप्शन देखो मैंडेलिक एसिड, अमाइनो एसिटिक एसिड, अमाइनो फॉर्मिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो यहां से सही जवाब होगा दोस्तों ये मैंडेलिक एसिड होता है, होमैट्रोपिन इज अ ट्रोपिन एस्टर ऑफ मैंडेलिक एसिड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायरोसिन इज प्रिकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोडक्ट, कौन से ड्रग प्रोडक्ट का टायरोसिन जो है वो प्रिकर्सर है, उसके सिंथेसिस जो है टायरोसिन से स्टार्ट होगा अमीनो एसिड से। ऑप्शन देखो एर्गोट, निकोटीन, क्विनिन या फिर मॉर्फिन। तो यहाँ देखो ये टायरोसिन जो होता है वो यूज होता है ये मॉर्फिन के सिंथेसिस में, टायरोसिन जो है उसका प्रोडक्ट जो है सिंथेसिस का मॉर्फिन होता है दोस्तों। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स बिलोंग टू द पाइपरियाजिन क्लास, पाइपरियाजिन क्लास से बिलोंग करने वाला ड्रग बताना है एंटी हिस्टामाइनिक। ऑप्शन में देखो सिट्रीजिन, सीपीएम यानी क्लोरफेनिरामाइन, डायफेनहाइड्रामाइन और ये सिप्रोहेप्टाडिन। तो यहाँ से सही क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सिट्रीजिन जो है वो पाइपरियाजिन केमिकल क्लास दिखाता है एंटी हिस्टामाइनिक का। सिप्रोहेप्टाडिन की बात करेंगे तो ये हमारी भूख बढ़ाने के काम आता है, ये टॉनिक में यूज किया जाता है बच्चों के लिए जिनको भूख नहीं लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे डैश रिंग इज प्रेजेंट इन इमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन के अंदर कौन सा रिंग प्रेजेंट होगा? ऑप्शन में देखो, अजोल, पिरिमिडीन, अजेपाइन या फिर पाइपरियाजीन। यहाँ से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जो इमिप्रामाइन में प्रेजेंट होता है दोस्तों? तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये अजेपिन होता है जो इमिप्रामाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये अजेपिन जो है 7 मेंबर रिंग होता है, ये इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अजा जो है वो नाइट्रोजन को इंडिकेट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है, इन आइडियल ड्रग स्टोर द इन्वेंटरी इज, आइडियल ड्रग स्टोर के लिए इन्वेंटरी कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन दिया है, इन एक्सेस, इन एडिक्वेट, मीजर या फिर बिटवीन एक्सेस एंड इन एडिक्वेट। तो यहां से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, बिटवीन एक्सेस एंड इन एडिक्वेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एंड रिपोर्ट रिप्रेजेंट, एंड रिपोर्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, री इंपोर्ट को या फिर री एक्सपोर्ट को? तो यहां से क्या सही होगा दोस्तों? तो यहां से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, री एक्सपोर्ट को ही एंड रिपोर्ट बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। पूछता है, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजडॉन NPH जो है इज अ टाइप ऑफ इंसुलिन विच इज, ये एक इंसुलिन का टाइप है, ये कैसा है? रैपिड एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग या फिर शॉर्ट एक्टिंग? तो न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजडॉन जो होता है ये इंटरमीडिएटली एक्टिंग इंसुलिन होता है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ से दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द कोलबेज रिएक्शन। देखो नेमिंग रिएक्शन पूछिए केमिस्ट्री से, कोलबेज रिएक्शन। यहाँ पे ऑप्शन देखो, फिनॉल से सैलिसैलिक एसिड बनाएगा, फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनेगा, या फिर फिनॉल से सैलिसैलिक एल्डिहाइड बनेगा, या फिर फिनॉल से एसिटामाइड बनेगा। तो ये कोलबेज रिएक्शन जो होता है दोस्तों ये फिनॉल से बनता है सैलिसैलिक एसिड। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन इज, ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल पूछा है। ऑटोक्लेव यहाँ पे देखो ऑप्शन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रोटीन कोएगुलेशन एंड डिनेचुरेशन या फिर अल्काइलेशन। तो ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन का जो प्रिंसिपल होता है ये प्रोटीन कोएगुलेशन एंड डीनेचुरेशन करके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिनिश कर देता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया IP डिजोल्यूशन अपैरेटस 2 इज, डिजोल्यूशन अपैरेटस सेकंड क्या होता है? पैडल टाइप होगा, पैडल ओवर डिस्क होगा, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होगा या फिर बास्केट टाइप होगा? तो इसे हमने याद रखा था प्यारा भारत से, तो प्यारा यानी डिजोल्यूशन अपैरेटस फर्स्ट जो होता है वो पैडल होता है और सेकंड जो होता है वो भारत से यहाँ पे बास्केट टाइप का होगा। ऑप्शन डी सही होता है दोस्तों, ये बास्केट टाइप का होता है। आईपी के आईपी का डिजोल्यूशन अपैरेटस 2 जो है बास्केट टाइप होगा, और यूएसपी की बात करेंगे तो उल्टा होता है यूएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डार्सीज लॉ इज रिलेटेड टू, डार्सीज लॉ किससे रिलेटेड होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफिकेशन या फिर विस्कोसिटी। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये फिल्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, डार्सीज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायसाइटिक स्टोमाटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डायसाइटिक स्टोमाटा किसके प्रेजेंट होता है? ऑप्शन में दिया है, सेना, विनका, डिजिटालिस या फिर वसाका। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये वसाका के अंदर प्रेजेंट होता है डायसाइटिक स्टोमाटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए हमने ट्रिक बनाया था, वास्को द गामा जो है वो डाई को फटाफट से ट्रांसफर करता है ना, तो ये वास्को द गामा से वसाका और डाई को यानी डायसाइटिक स्टोमाटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसे कैरियोफाइलिस भी बोलते हैं, अनदर नेम। पूछा है, अरिस्टा इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, अरिस्टा किसका स्पेशल स्ट्रक्चर है? ऑप्शन में देखो, नटमेग, कार्डामम, स्ट्रोफेंथस या फिर धतूरा। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये स्ट्रोफेंथस का स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये अरिस्टा को याद रख लेना है आप लोगों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है, इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इंडिकेटर यूज इन द ओलहार्ट्स मेथड, ओलहार्ट्स मेथड के लिए इंडिकेटर कौन सा यूज किया जाएगा? तो देखो ऑप्शन में दिया है, मिथिलिन ब्लू, पोटेशियम क्रोमेट, फेरिक एलम, डाइक्लोरोफ्लोरेसिन। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यहाँ से होगा ऑप्शन सी, फेरिक एलम जो है वो इंडिकेटर करके यूज होता है ओलहार्ट्स मेथड में, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रेगनेंसी किट्स किसके डिटेक्शन के लिए काम आता है? यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है, इस्ट्रोजन, ह्यूमैन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखिए ये जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, इस पे हम यूरिन का जब ड्रॉप डाला जाता है जो भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके, तो उसमें जो ये HCG हार्मोन होता है, ह्यूमैन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसकी वजह से वो प्रेग्नेंट है या नहीं उसे डिटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये सही होगा दोस्तों, HCG करके ये हार्मोन होता है, ह्यूमैन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक, गोनाडोट्रोपिन करके। तो यहाँ से यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट, कौन सा नीचे दिए सब प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन में देखो क्लोरल हाइड्रेट, डाइजेपाम, इनालाप्रिल या फिर ऑक्स कार्बामेजेपाइन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये ऑप्शन बी, डाइजेपाम। यहाँ पे बाकी सभी लोग तो प्रोड्रग है, लेकिन डाइजेपाम जो है वो खुद ब खुद तो एक्टिव ड्रग है ही, और ये आगे हमें और एक एक्टिव ड्रग देता है डाइजेपाम, तो ये प्रोड्रग नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, वोगेस पुरस्कार टेस्ट इज बायोकेमिकल टेस्ट विच डिटेक्ट्स, ये जो टेस्ट है वीपी वोगेस पुरस्कार, तो ये क्या डिटेक्ट करती है। ऑप्शन में देखो मिक्स्ड एसिड, एसिटोइन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम सी, तो ये क्या डिटेक्ट करेगी। तो ये एसिटोइन को डिटेक्ट करने के काम आता है वोगेस पुरस्कार। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पूछा है स्पेशल कल्चर मीडिया विच इज सिमिलर टू सेलेक्टिव मीडिया बट डिजाइन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्टेबल लेवल, जो भी हमारे इंटरेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी को ही ये नंबर में बढ़ाते हैं डिटेक्टेबल लेवल तक, लेकिन ये इनका सिमिलैरिटी होता है सिलेक्टिव मीडिया से, ऐसा स्पेशल कल्चर मीडिया का नाम बताना है। ऑप्शन में देखो एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया या फिर शुगर मीडिया, तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये एनरिचमेंट मीडिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू मिल कैम्फर, मिल कैम्फर के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाएगा। ऑप्शन में देखो एट्रिशन, लेविगेशन, ट्रिचुरेशन या फिर पल्वराइजेशन बाय इंटरवेंशन, तो ये मिल कैम्फर है, इसे पल्वराइजेशन बाय इंटरवेंशन से ही किया जाता है मिल कैम्फर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप थ्री ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, टाइप थ्री जो है ड्रग मास्टर फाइल का वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ड्रग सब्सटेंस, पर्सनल फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस, पैकेजिंग मटेरियल, जो टाइप थ्री है ये हमें पैकेजिंग मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है मास्टर फाइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द अश्वगंधा, अश्वगंधा के अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ऑप्शन में देखो टर्पेनॉइड अल्कलॉइड, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉयडल लैक्टोन या फिर टर्पेनॉइड ग्लाइकोसाइड, तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये ऑप्शन सी सही होगा, स्टेरॉयडल लैक्टोन। अश्वगंधा की बात करेंगे तो ये आता है स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स में, तो यहाँ से स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड तो सही नहीं होगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया ऑप्शन है, तो यहाँ से स्टेरॉयडल लैक्टोन को ही आपने टिक करना है, अश्वगंधा में ये स्टेरॉयडल लैक्टोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, कैप्सिड कौन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में देखो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगाई, तो ये कैप्सिड किसके में प्रेजेंट होता है ये बताना है, तो यहाँ से ये ऑप्शन ए सही होगा, वायरस के अंदर ये कैप्सिड प्रेजेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ मेजरिंग ओबेसिटी, ओबेसिटी मेजरिंग करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड बताना है। ऑप्शन में देखो पोंडेरल इंडेक्स, सुलिवन इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स या फिर एच इंडेक्स, तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये BMI, बॉडी मास इंडेक्स ही है जो ओबेसिटी को मेजर करने के लिए एक्सेप्टेड मेथड है इंटरनेशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद अ कॉशन इन, एस्पिरिन का इस्तेमाल बहुत ध्यानपूर्वक किसमें करना है। ऑप्शन में देखो टैकिकार्डिया, हेडेक, अस्थमा या फिर फेवर, तो ये जो एस्पिरिन है इसे कॉशियसली देना चाहिए अस्थमा के अंदर, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड इन अलाव, अलाव के अंदर जो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट पूछा है। ऑप्शन में देखो मॉडिफाइड बॉन्ड टाइगर टेस्ट, बॉन्ड टाइगर टेस्ट, केलर किलियानी टेस्ट या फिर लीगल टेस्ट, तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, मॉडिफाइड बॉन्ड टाइगर टेस्ट ही सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नन्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, लिग्नन किसके कंस्टिट्यूएंट्स है। ऑप्शन में देखो सॉय, लाइकोपिन, फ्लैक्स सीड या फिर पोमेग्रेनेट, तो लिग्नन्स इज अ कंस्टिट्यूएंट किसका होता है, यहाँ से देखो ये ऑप्शन सी सही होगा, फ्लैक्स सीड्स के अंदर ये लिग्नन्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सर्व्स एज अ बास मास फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड एज, देखो ये जो डॉक्यूमेंट और द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सर्व किए जा रहे हैं बेसिस फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन, ये बेसिस है, बेसिस फॉर बैच डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब पूरी बैच के डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर्व कर रहा है तो यहाँ पे इसे क्या बोला जाएगा। ऑप्शन में देखो कैलिब्रेशन, मास्टर फॉर्मूला, मास्टर रिकॉर्ड या फिर कंसाइनमेंट, तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये मास्टर रिकॉर्ड बोला जाता है इसे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
पूछता है पॉजिटिव एडसॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन जब होता है तो क्या डिक्रीज होता है? तो ऑप्शन में देखो वेलोसिटी, पार्टिकल साइज, ग्लोब्यूल साइज या फिर सरफेस टेंशन। तो जब भी पॉजिटिव एडसॉर्प्शन होगा तो इसमें से ये सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लो इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखो ये स्पाइस क्लो जो है इसका सोर्स पूछा है, ये प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है? ऑप्शन में देखो लीफ, रूट, फ्लावर बर्ड या फिर राइजोम। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये फ्लावर बर्ड होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, ड्रग विच आर हैविंग द लो सॉल्युबिलिटी हाई परमियाबिलिटी आर कॉल्ड एज, तो ये लो सॉल्युबिलिटी हाई परमियाबिलिटी को क्या कहेंगे, कौन से क्लास में आता है? ये बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर सवाल है, क्लास वन ड्रग, क्लास टू, क्लास थ्री या फिर क्लास फोर। तो देखो लो सॉल्युबिलिटी है, हाई परमियाबिलिटी है, तो ये क्लास टू के अंदर आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, पूछा है इन HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी व्हाइल सप्लाइंग द मोबाइल फ्लेज बाय मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्सेस, कौन से डिवाइस को हमें स्मूथ आउट करना पल्सेस करता है? तो यहाँ ऑप्शन देखो गॉज, इंजेक्शन, डैम्पिंग या फिर टेम्परेचर। तो यहाँ से सही क्या होगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन सी सही होता है, डैम्पिंग जो है वो स्मूथ आउट द पल्सेस के काम आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूछा है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड एज, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को और क्या बुलाया जा सकता है यहाँ से? नैनो कैप्सूल्स, मल्टीपल एमल्शन, एक्वाजोम्स या फिर वायरोजोम्स। तो यहाँ से ये ऑप्शन बी सही होगा, मल्टीपल एमल्शंस भी कहा जाता है इसको, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पूछता है इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, रैट में टेल को इरेक्शन आ रहा है तो कौन से ड्रग का एडमिशन हो गया होगा एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ देखो नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग, कॉक्स टू इनिबिटर, ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग या फिर कॉक्स वन इनिबिटर। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पूछता है डैश इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल बताना है यहाँ पे। ऑप्शन देखो पुलुलैन, ग्लाइडिन, कैप्रोलैक्टोन या फिर चैटोसन, चिटोसन जो भी है प्रोनाउंसिएशन। तो सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा होगा यहाँ से? तो ऑप्शन सी सही होगा, कैप्रोलैक्टोन जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लीवर ऑयल्स एमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज, देखो कॉड लीवर ऑयल का इमल्शन बना रहे तो ऑयल वाटर एंड गम का रेशो क्या होगा? यहाँ पे 1:1:1:2:1, 4:2:1, 3:2:1 या फिर 2:2:1 होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, 4:2:1 होगा, ये ऑयल गम सॉरी ऑयल वाटर और गम का रेशो है ना, ऑयल वाटर और गम का जो होता है कॉड लीवर इमल्शन के लिए ये रेशो में यूज करना होता है ऑयल वाटर गम, 4:2:1 करके। अगले क्वेश्चन देखते हैं, वैगनर नेल्सन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, वैगनर नेल्सन मेथड किसके यूज डिटरमिनेशन के लिए काम आएगा? देखो ऑप्शन में दिया है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एब्सॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, मेटाबॉलिज्म रेट कांस्टेंट या फिर एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये ऑप्शन बी, एब्सॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है वैगनर नेल्सन। और मैं आपको बता दूं सिग्मा माइनस मेथड है जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को निकालने के काम आता है, सिग्मा माइनस मेथड है ना, तो ये भी आपने नोट कर लेना है सिग्मा माइनस मेथड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछता है एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, एस्ट्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन में देखो ब्लड प्लेसेंटर बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, सेल मेम्ब्रेन बैरियर या फिर ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। तो एस्ट्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के पास में प्रेजेंट होता है एस्ट्रोसाइट, ये एक टाइप के सेल्स है जो ब्लड ब्रेन बैरियर के पास में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज अ, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है? ये एंटी सीरम है, वायरल वैक्सीन है, एक टॉक्साइड है या फिर बैक्टीरियल वैक्सीन है? तो ये जो स्मॉल पॉक्स होता है ना ये एक वायरल वैक्सीन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माइल्ड शैम्पू आर प्रिपेयर्ड विथ, माइल्ड शैम्पू कौन से सर्फैक्टेंट को यूज करके प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन में देखो कैटायनिक सर्फैक्टेंट, एनायनिक सर्फैक्टेंट, नॉन आयनिक सर्फैक्टेंट या फिर एम्फोटेरिक सर्फैक्टेंट। तो यहाँ से सही सवाल का इस जवाब होगा दोस्तों ये एम्फोटेरिक सर्फैक्टेंट को यूज करके माइल्ड शैम्पू को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, विच चैप्टर ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर 1945 गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स।
तो ये कौन से चैप्टर में बताया गया है कि मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में, तो देखो यहाँ चैप्टर दिया है चैप्टर 1, 4, 3, 2, यहाँ से कौन सा सही चैप्टर होगा इसके लिए मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के लिए, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये चैप्टर 4 में बताया है, तो इसे आपने देख लेना है बाकी चैप्टर के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच टू मॉलिकुलर मॉडलिंग इज, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स की बात चल रही है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के अंदर, तो ऑप्शन में देखो इस इक्वेशन, नेक्स्ट है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बोल्ट्जमैन इक्वेशन या फिर अरेनियस इक्वेशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात जब आती है तो यहाँ से आपको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही टिक करना होगा, यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे ब्राउनियन मोशन की, ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू, कहाँ तक रिड्यूस करना होता है, ऑप्शन देखो 8 माइक्रॉन्स, 2 माइक्रॉन्स, 6 माइक्रॉन्स या फिर 4 माइक्रॉन्स, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये 2 माइक्रॉन्स, ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू 2 माइक्रॉन्स। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू डिटेक्ट द डिफरेंसेज एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द टू और मोर सैंपल, टू और मोर सैंपल्स के अंदर जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है डिटेक्शन के लिए डिफरेंसेस की, तो ये कौन सा स्टैटिस्टिकल यहाँ से यूज किया जाएगा, अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड एरर, चाई स्क्वायर टेस्ट या फिर एनोवा, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो होता है ये यूज़ किया जाता है यहाँ टू और मोर सैंपल्स के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखो पूछा है फिलर्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इन टू अ पॉलीमर टू एनहांस द, क्या एनहांस करते हैं ये फिलर्स, ऑप्शन देखो थिकनेस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी या फिर विस्कोसिटी, तो ये जो फिलर्स है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को एनहांस करते हैं बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सीएमसी सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन, ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे देखो बॉर्डर बाइंडर के रिलेटेड सवाल है ये, तो ऑप्शन में देखो ब्लैक प्रेस बॉर्डर बाइंडर, ऑरेंज प्रेस बोर्ड बाइंडर, ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर या फिर रेड प्रेस बोर्ड बाइंडर, तो ये सीएमसी सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो होता है ये ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पूछा है एंजियो इडिमा इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द, ये क्या अफेक्ट करता है एंजियो इडिमा, बॉडी का कौन से पार्ट को ये अफेक्ट करता है बताना है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, लीवर, स्किन या फिर पैनक्रियाज, देखो ये एंजियो इडिमा जो है वो स्किन को अफेक्ट करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैलामाइन लोशन कौन से मिक्सिंग का एग्जाम्पल होगा, देखो ऑप्शन में दिया है सॉलिड लिक्विड फेजेस ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड फेजेस ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड गैस फेजेस ऑफ मिक्सिंग या फिर सॉल्यूबल सॉलिड लिक्विड फेजेस ऑफ मिक्सिंग, तो यहाँ से सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, सॉलिड लिक्विड फेजेस ऑफ मिक्सिंग का एग्जाम्पल होता है ये कैलामाइन लोशन। ठीक है अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखो पूछा है लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेसिथिन किसका एग्जाम्पल है एंटीऑक्सीडेंट का, और यहाँ ऑप्शन दिया है अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, क्विनोलोन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फिनॉलिक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स एंड एस्टर्स टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये लेसिथिन जो है ये अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, देखो लिक्विड ओरल का प्रिपरेशन है ऑफ विच वन और टू लार्ज डोसेस ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन अ सिंगल डोज कंटेनर इज नोन एज, देखो 50 ml दे रहे ये सिंगल डोज कंटेनर में, तो ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है तो ये कौन से डोसेस फॉर्म की तरफ इशारा करेगा, तो यहाँ ऑप्शन देखो ड्रॉप्स है, लिंक्टसेस, टिंचर्स या फिर ड्रॉट्स, तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये ऑप्शन डी सही होगा, ड्रॉट्स कहेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अपरंट बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, अपरंट बल्क डेंसिटी का यूनिट बताना है, देखो ऑप्शन में दिया डिग्री सेल्सियस, परसेंटेज, ml पर ग्राम, ग्राम पर ml, तो ये डेंसिटी है और डेंसिटी हम लोगों को पता है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डेंसिटी डेंसिटी क्या होगा ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो यहां से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ग्राम पर ml, मास जो है वो ग्राम और वॉल्यूम जो है वो ml में गिना जाएगा, तो ग्राम पर ml यहां से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड, देखो
देखो ये जीएमपी की बात चल रही है, आंसू के लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लिए। ऑप्शन में देखो शेड्यूल एम, शेड्यूल एस, टी एंड जेड, तो यहाँ से कौन सा शेड्यूल सही होता है? तो यहाँ से सही होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी सही होगा, शेड्यूल टी। जनरल जीएमपी जो होता है वो शेड्यूल एम में आते हैं, लेकिन ये आंसू जो है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बात है, तो यहाँ पे शेड्यूल टी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्वेक्टिंग मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कन्वेक्टिंग मिक्सिंग को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे देखो ऑप्शन डिफ्यूजिव मिक्सिंग, शियर मिक्सिंग, माइक्रो मिक्सिंग या फिर मैक्रो मिक्सिंग। तो ये जो होता है ये मैक्रो मिक्सिंग होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पूछा है कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, कैल्सिटोनिन कौन सिक्रेट करता है? ऑप्शन देखो एड्रेनाल्स, पैराथायरॉयड, थाइमस या फिर थायरॉयड। ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचना नहीं है। कैल्सिटोनिन जो सिक्रेट होता है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, तो यहाँ थायराइड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाले लिम्फोसाइट कौन से होंगे? ऑप्शन देखो बी सेल, टी सेल, हेल्पर टी सेल या फिर मैक्रोफेजेस। तो यहाँ से देखो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ना दोस्तों वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, बी सेल्स। नेक्स्ट करेंगे, आइडेंटिफाई द साल्ट यूज फॉर द पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के पॉलिशिंग के लिए कौन सा साल्ट यूज किया जाएगा? ऑप्शन में देखो स्टार्च, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो ये पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल्स जो होती है वो होती है ये सोडियम क्लोराइड से, तो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एमेटीन एन अल्कलाइड ऑफ एपिकाकुना एक्ट एज, एमेटीन का इस्तेमाल बताना है, यूज बताना है यहाँ पे। तो यहाँ देखो ऑप्शन दिया है एंटी डायरियल, अमेबिसिडल, एंटी मलेरियल या फिर एंटीसेप्टिक। तो एमेटिन जो है, एमेटिक तो होता है ये सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सही होगा, अमेबिसिडल होता है ये, अमेबिक डिसेंट्री को ट्रीट करने के काम आता है ये एमेटिन, एपिकैक से जो ड्रग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एमेटिन जो है वो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड का एग्जाम्पल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ न्यूमेरिकल पूछा है, हाउ लॉन्ग आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज 75% ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड। देखो 75% ड्रग जो है एलिमिनेट हो रहा है फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी इफ द एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज 4 आवर्स। देखो उसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ बताया है, 4 आवर्स 4 घंटे का है, और 75% ड्रग एलिमिनेट हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा इतना जाने के लिए? ऑप्शन में देखो 12 आवर्स, 8 आवर्स, 16 आवर्स या फिर 10 आवर्स। तो समझते हैं यहाँ पे देखो 100% ड्रग को हमने जब एडमिनिस्टर कर लिया तो हर 4 घंटे के बाद में आधा ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा। देखो पहले 4 घंटे में इसका 50% ड्रग एलिमिनेट हो रहा है, और फिर बचे 50% का फिर से आधा एलिमिनेट होगा हर 4 घंटे में, है ना? तो पहले वाले 4 घंटे, ये वाले 4 घंटे मिलकर 8 घंटे हो गए, जिसके अंदर पहले 50% और बाद में 25% दोनों मिला के 75% यानी 75% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8 आवर्स इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो पूछा है हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमॉन्ग्स देमसेल्व्स फॉर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए कितना फार्मासिस्ट लोग को इलेक्ट किया जाता है? देखो ऑप्शन में 5, 6, 4 या फिर 3। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6 फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमॉन्ग्स देमसेल्व फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, विच टाइप ऑफ रेजिन प्रेजेंट इन बेंजोइन, कौन से टाइप का रेजिन होगा? ऑलियोगम रेजिन, बाल्जामिक रेजिन, गम रेजिन या फिर ऑलियो रेजिन। तो देखो ये बेंजोइन के अंदर जो रेजिन होता है वो बाल्जामिक रेजिन प्रेजेंट होगा, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट इज, देखो बार बार रिप्रोड्यूस हो रहा है आपका रिजल्ट, तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन में देखो रेंज, लिनियरिटी, एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन। देखो बार बार वही परसेंटेज आ रहा है, बार बार वही चीज़ आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, रिजल्ट वही आ रहा है आपका, तो यहाँ से क्या सही होगा? यहाँ से सही होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, प्रिसीजन होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एनालिसिस से सवाल था ये। अकॉर्डिंग टू वेस्ट थ्योरी, वेस्ट थ्योरी के हिसाब से मोनोवेलेंट सोप गिव्स, मोनोवेलेंट सोप क्या देते हैं, कौन से टाइप का इमल्शन देंगे? डब्ल्यू ओ टाइप ऑफ इमल्शन, ओ डब्ल्यू टाइप इमल्शन, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू टाइप इमल्शन या फिर ओ डब्ल्यू ओ इमल्शन। तो ये क्या देगा? मोनोवेलेंट सोप जो है वो वेस्ट थ्योरी के अनुसार ये ओ डब्ल्यू टाइप ऑफ इमल्शन देगा, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन, देखो ये कैलोरीज कितना मिलता है कार्बोहाइड्रेट से हमें बताना है परसेंटेज में। ऑप्शन देखो 50 to 60%, 10 to 20, 5 to 10% या फिर 20 to 30%। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, 50 to 60%। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे,
देखो पूछा है निकोटिनिक एंटागोनिस्टीज, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट का एग्जांपल बताना है हमें। ऑप्शन देखो एट्रोपिन, सक्सामेथोनियम, हायोसिन या फिर डेकामेथोनियम। तो यहाँ से देखो सही ऑप्शन होता है ये ऑप्शन बी, सक्सामेथोनियम। काफ़ी ट्रिकी सवाल है ये, ऐसे सवाल अगर बनते हैं तो आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट, क्रायोस्कोपिक मेथड किसको एडजस्ट करने का काम आएगा? यहाँ पे ऑप्शन देखो विस्कोसिटी, पार्टिकल साइज, आइसोटोनिसिटी या फिर डिफ्यूजन। तो यहाँ से सही होता है क्रायोस्कोपिक मेथड जो होता है वो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंसुलिन इज कंपोज ऑफ कितने अमाइनो एसिड, कितना अमाइनो एसिड होता है इंसुलिन में? ऑप्शन में देखो 30 अमाइनो एसिड, 51 अमाइनो एसिड, 81 अमाइनो एसिड या फिर 21 अमाइनो एसिड। तो इंसुलिन के अंदर जो होते हैं वो 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे। पूछा है देखो फिर से न्यूमेरिकल है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अ ड्रग इज -0.09 डिग्री सेल्सियस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट विल यील्ड अ सोल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा इज, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन बताना है हमें, तो यहाँ पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1% वेट बाय वॉल्यूम, और फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया है ड्रग का 0.09 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और यहाँ पे देखो कुछ डाटा दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सीरम और द लैक्रिमल फ्लूड को कितना लेना होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ ऑप्शन दिया है 6.42% वेट बाय वॉल्यूम, 0.402% वेट बाय वॉल्यूम, 4.63% वेट बाय वॉल्यूम या फिर 5.77% वेट बाय वॉल्यूम। तो देखो इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले से सॉल्व करना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्रग इज इक्वल टू आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हमें आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन ही को निकालना है, तो बाकी वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है जो दिया है हमें -0.52 है, और यहाँ पे हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है जिस ड्रग का, तो वो हमें लेना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.09 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, और ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हमें 1% वेट बाय वॉल्यूम दिया है। तो इससे ये कैलकुलेशन को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 5.77% वेट बाय वॉल्यूम आएगा दोस्तों। तो यहाँ से ये ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, देखो ये यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच ऑफ केसिन इज, केसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बताना है। ऑप्शन देखो 4.6, 11, 6.7 या फिर 5। तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ये ऑप्शन ए 4.6, ये आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होता है केसिन का। तो ठीक है दोस्तों, यही लगता है मुझे, आशा है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको कल के एग्जाम में लाभ होगा, फायदा होगा। और ये अगर वीडियो, ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक बार एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम।